दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों जो पहली बड़ी खबर आ रही है आपको बता दी कि जेएनयू में हिंसा के बारे में कि केजरीवाल ने जताई है हैरानी, आम आदमी पार्टी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि जेएनयू में छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प में छात्र संघ अध्यक्ष समेत कई छात्र घायल हो गए हैं और इस मामले में अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने पुलिस से मौके पर पहुंचकर शांति बहाल करने की अपील की है। उन्होंने उपराज्यपाल से भी बात की है और साथ ही उपराज्यपाल से अपील की है कि वो पुलिस को शांति व्यवस्था बहाल करने का आदेश दे। केजरीवाल ने बताया है कि उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेएनयू हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हैं तब से देश की राजधानी दिल्ली गुंडागर्दी, हिंसा और अपराध का अड्डा बन गया है और कभी वकीलों पर हमला होता है तो कभी छात्रों पर हमला किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा रहने का हक नहीं, अपने पद पर रहने का हक नहीं है, अमित शाह इस्तीफा दे देना चाहिए। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन, पंपलेट बांट समझा रहे हैं सीएए के बारे में। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ देश भर में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए के समर्थन में दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू की है। आपको बता दें दिल्ली में अगले महीने चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले बीजेपी ने दिल्ली में कानून के समर्थन में माहौल बनाने के लिए घर घर जाकर पैम्पलेट बांट रही है और इन पैम्पलेट के जरिए पार्टी लोगों को नागरिकता कानून के बारे में भी जानकारी दे रही है। और चुनाव को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला और इस कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह रविवार को दिल्ली के लाजपत नगर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कैंपेन में हिस्सा लेते हुए डोर टू डोर पैम्पलेट बांटे और बीजेपी पूरे देश में नागरिकता कानून पर एक जागरूकता अभियान चलाने का काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ईरान मसले पर भी सामने आया पाकिस्तान का दो मुहापन, अपने स्वार्थ के लिए दिया अमेरिका को समर्थन। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और इस हमले में ईरानी सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ने पूरी दुनिया में एक नए टकराव का तनाव बढ़ा दिया है। आपको बता दें अमेरिका की इस कार्रवाई को पाकिस्तान ने समर्थन दिया है। पाकिस्तान ने समर्थन का ये खेल इसलिए खेला है ताकि वाशिंगटन के सैन्य सहयोग फिर से शुरू कर सके। और आपको बता दें कि अमेरिका ने 2018 से पाकिस्तान के साथ सैन्य ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी और खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए एशियन लाइट ने बताया कि इस्लामाबाद, जिसने बलूच आतंकवादी हमलों के लिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को दोषी ठहराया था, उसे एक तीर से दो निशाना लगाने का अवसर मिला और जब वाशिंगटन ने हवाई हमले के बाद बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास समर्थन मांगा। और दोस्तों मैं आपको बता दें कि केजरीवाल का पलटवार, कहा मुझे गाली देने के अलावा अमित शाह ने और कुछ नहीं कहा। जी हां दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे लगा वह हमारे कामों की कमियां बताएंगे और दिल्ली के विकास की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गाली देने के अलावा कुछ नहीं कहा। केजरीवाल ने अमित शाह को मोहल्ला क्लिनिक देखने का न्योता भी दिया है। दरअसल रविवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने 20 कॉलेज और 5000 से ज्यादा स्कूल बनाने का वादा किया था। मैं दूरबीन लगाकर देख रहा हूं लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पलटवार करते हुए कहा कि आज भी 150 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया है, आकर देख लें।
और दोस्तों में एक और खबर में आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल का बड़ा खुलासा, इस बार आपके घोषणा पत्र में ये मुद्दा होगा सबसे ऊपर। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के पहले से ही दिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र से कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार केजरीवाल और केंद्र सरकार आमने सामने भी आए। अब जब राजधानी में विधानसभा चुनाव करीब है तो सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से यह मुद्दा उठाया है। गौरतलब है कि दिल्ली में सीएम केजरीवाल का कार्यकाल इसी वर्ष फरवरी में समाप्त हो रहा है, जिसके मद्देनजर 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और दोस्तों में एक और खबर में आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में केजरीवाल और कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, सीएए को लेकर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का किला ढहाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अभी से कमर कस ली है और इसी दिशा में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के भव्य सम्मेलन का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह दिल्ली सरकार पर जमकर बरसे। और दोस्तों में अगली खबर आ रही पटना से। आपको बता दें, पटना में लगे पोस्टर, लिखा लालू है जनता के सारथी, नीतीश है कुर्सी के लालची। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार में चुनाव से पहले ही राजद और जदयू के बीच पोस्टर वार शुरू हो चुका है। रविवार को राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए राजद ने जदयू पर निशाना साधा है। पोस्टर में राजद के शासन को जदयू के शासन से बेहतर दिखाया गया है और पोस्टर में लिखा है कि लालू के लिए की जनता का सारथी और नीतीश कुमार के लिए बोला गया है कुर्सी का लालची। इसके अलावा नीतीश कुमार को गरीबों के साथ छल करने वाला भी कहा गया है। और दोस्तों में आपको बता दें कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर जेडीयू में बगावत तेज। पवन वर्मा ने नीतीश को लिखा पत्र, कहा देश को बांटने वाले एजेंडे को करे खारिज। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर और एनआरसी को लेकर बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू में बगावत तेज हो गई है और पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के बाद जेडीयू नेता पवन वर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पवन वर्मा ने कहा है पत्र में कि सीएए एनआरसी हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने और सामाजिक अस्थिरता पैदा करने का एक सीधी प्रयास है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सीएए एनपीआर एनआरसी योजना के खिलाफ एक स्टैंड ले और भारत को विभाजित करने के नापाक एजेंडे को खारिज करें। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि रिलायंस जियो का बड़ा धमाका प्लान, 2.46 रुपए में हर रोज पाइए 2 GB डेटा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने के लिए रिलायंस जियो को जाना जाता है। जिस तरह से रिलायंस जियो ने सस्ते इंटरनेट की शुरुआत की, उस वजह से तमाम प्रतिद्वंदियों को अपनी कीमतें कमजोर करने के लिए मजबूर किया और रिलायंस जियो अपने चौथे वर्ष में है और इसके साथ ही जियो ने लोगों को भी सस्ता डेटा देने का फैसला लिया है। अपने यूजर्स को सस्ते प्लान देने के लिए रिलायंस जियो ने नई स्कीम की शुरुआत की है। हाल ही में टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की गई थी, इसके बावजूद जियो अपने ग्राहकों को सबसे सस्ते प्लान देने में सफल रहा है। और दोस्तों में अगली खबर आ रही पंजाब से। आपको बता दें कि चालान की रकम सुनते ही बेहोश होकर गिर गया शख्स। हम बात करें पंजाब के गुरदासपुर जिले की धालीवाल क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चालान भुगतने आया दलवीर सिंह 10,000 रुपए जुर्माना सुनते ही चक्कर खा के गिर गया। वहां पर मौजूद लोगों ने उसे संभाला और पानी पिलाया और बता दें कि दलवीर सिंह की बाइक का करीब एक हफ्ता पहले धालीवाल पुलिस ने चालान कर दिया था। उसके पास लाइसेंस और प्रदूषण पत्र नहीं था। जब वह क्षेत्रीय परिवहन दफ्तर गुरदासपुर पहुंचा तो वहां उससे 10,000 रुपए का चालान तौर पर मांगा गया। इतना सुनते ही बेहोश होकर गिर गया और इसके बाद उसके साथ आए लोग उसे अपने साथ लेकर गए। दलवीर सिंह ने बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि बाइक का 10,000 रुपए जुर्माना चुका पाए और वह गाँव में दुकान चलाता है। सरकार को अगर ज्यादा जुर्माना लगाना है तो लोगों को रोजगार भी दे ताकि वह इतना जुर्माना सरकार को चुका पाए। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या कहा है सुशील मोदी ने। जी हां दोस्तों, हम बात करें बिहार में एनपीआर होगा लागू, मई माह में शुरू होगी प्रक्रिया, ऐसा सुशील मोदी ने कहा है। आपको बता दें कि देशभर में नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और तमाम विपक्षी दल सरकार को इस मसले पर घेरने में लगे हुए हैं और इसके खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार का रुख नर्म पड़ता नहीं दिख रहा है। बिहार
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एनपीआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनपीआर को लेकर फैसला ले लिया गया है और इसे लागू करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर फैसला ले लिया गया है और इस बाबत प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। 15 से 28 मई के बीच बिहार में एनपीआर के लिए डाटा लेने का काम शुरू किया जाएगा। और बता दें कि एनपीआर एक तरफ से देश के नागरिकों का रजिस्टर होगा। इससे पहले साल 2010 में डाटा एकत्रित किया गया था। ये काम उस वक्त हुआ जब 2011 की जनगणना के लिए आंकड़े जुटाए गए थे और अधिकारियों का कहना है कि 2015 में घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण और अपडेट के लिए डाटा डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो गया है। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में बोले सीएम कमलनाथ, कैलाश विजयवर्गीय खुद तय करें कि वे किसके नेता, बीजेपी के हैं या माफियाओं के। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें खुद तय करना है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेता बने रहना चाहते हैं या माफियाओं के। मुख्यमंत्री सतना में कई स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद 2 दिन के दौर पर छिंदवाड़ा पहुंचे और यहां उन्होंने हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बात कही है। और वही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यूरिया का संकट प्रदेश में केंद्र सरकार ने पैदा किया है, उनकी गलत नीतियों के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। और उन्होंने महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर कहा है कि युवा पीढ़ी को महात्मा गांधी के विचारों से अवगत होने की बेहद जरूरत है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि रुपे कार्ड के इन बेनिफिट्स को जानकर हैरान रह जाएंगे आप। कम ट्रांजैक्शन चार्ज के साथ शानदार कैशबैक ऑफर्स। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद पहली जनवरी से 50 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए रुपे कार्ड एवं UPI से ट्रांजैक्शन पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो आपको इस तरह के दुकानों से सामान खरीदने पर कार्ड से भुगतान करते समय कोई शुल्क नहीं देना होगा और इससे आपको सीधा वित्तीय फायदा होगा। सरकार देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है और रुपे कार्ड रखने वालों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।